हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपको बीसीसीआई की टॉप 7 स्टेट लेवल की ट्रॉफियों के बारे में बताऊंगा, जिसको आप लोग खेल लेते हो तो आप लोग भारतीय क्रिकेट टीम से बहुत आसानी से खेल पाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बीसीसीआई की जो पहली ट्रॉफी है उसका नाम है अंडर 16 विजय मानचंद ट्रॉफी। ये अंडर 16 के प्लेयर्स के लिए होती है और ये भी स्टेट लेवल की एक ट्रॉफी होती है। नंबर दो पर है दोस्तों अंडर 19 कोच बिहार ट्रॉफी। दोस्तों ये अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए होती है और ये भी दोस्तों स्टेट लेवल की एक ट्रॉफी होती है। नंबर तीन पर है दोस्तों अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी। ये दोस्तों अंडर 23 के प्लेयर्स के लिए होती है और ये भी स्टेट लेवल की ट्रॉफी होती है। नंबर चार पर है दोस्तों रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी टेस्ट मैच के फॉर्मेट में खेली जाती है और ये ओपन एज के प्लेयर्स के लिए होती है और ये स्टेट लेवल की ट्रॉफी है। नंबर पाँच पर है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी। ये वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है और दोस्तों ये ओपन एज के प्लेयर्स के लिए होती है। नंबर छः पर है दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये T20 फॉर्मेट में खेली जाती है और इसे भी ओपन एज के प्लेयर्स खेल सकते हैं। ये भी एक स्टेट लेवल ट्रॉफी है। नंबर सात पर है दोस्तों आपका हमारा पसंदीदा IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों ये भी ओपन एज के प्लेयर्स के लिए होती है और ये BCCI ही इसे कराता है। दोस्तों अगर आप ये सातों ट्रॉफियाँ खेल लेते हो तो आप लोग इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा आसानी से खेल पाओगे। तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आपको BCCI की ये सातों ट्रॉफियाँ खेलना पड़ेगा। कैसे खेल सकते हैं आप लोग, आपको इसके लिए एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। एकेडमी के माध्यम से ही आप लोग BCCI की सातों ट्रॉफियाँ खेल पाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग एकेडमी नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपनी कोई भी राय हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।